लेक्चर नंबर थ्री आज हमारा, सही है, लेक्चर नंबर थ्री, लेक्चर नंबर वन, लेक्चर नंबर टू हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और हम लेक्चर नंबर थ्री पे चलते हैं। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन और केमिस्ट्री ऑफ इथीन का इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोगों ने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन और प्रिपरेशन, कि हम किस तरीके से इथीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सही है भाई। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन, जो हमारा रह गया था। सही है। पहले हम लोग पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में एडिशन रिएक्शन। ये हम क्योंकि जानते हैं कि इथीन है, इथीन के पास डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड वाले तमाम हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं, और अनसैचुरेटेड क्या करते हैं? एडिशन रिएक्शन की कैपेबिलिटी रखते हैं। सही है। तो हम पहले एडिशन रिएक्शन करेंगे, एडिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे कि इथीन के अंदर एडिशन रिएक्शन किस तरह हो सकते हैं। तो एडिशन रिएक्शन हमारी मेन हेडिंग है, उसके अंदर हमारे पास सब हेडिंग है कि हम लोग पहले हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे, फिर तीसरा दूसरा क्या है? एडिशन ऑफ हेलोजन। तीसरा क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड वाटर, हाइपोहैलोजन एसिड और क्लोरीन वाटर। तो हम इन तमाम चीजों को पढ़ेंगे। सही है। किस किस तरीके से इन तमाम चीजों की एडिशन होगी हमारे पास, किसमें? इथीन में। तो वहां पर क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। सही है भाई। अब हम चलते हैं अपने पहले रिएक्शन की तरफ। क्या है हमारे पास? एडिशन ऑफ H2, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। जो मैं तुम लोग को पहले इथेन की प्रिपरेशन में बता के आ चुका हूँ कि हाइड्रोजिनेशन किसे बोलते हैं भाई? हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं एडिशन ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सही है। वही प्रॉपर्टी प्रिपरेशन है जो उन्होंने इथेन के लिए पढ़ी थी। सही है। तो हम वही कर रहे हैं। देखो क्या होगा हमारे पास। हम जानते हैं किसके पढ़, किसको पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये, हम पढ़ रहे हैं अपने इथीन को। सही है। हम इथीन को पढ़ रहे हैं। अब इथीन है, इथीन में हम लोग H2 ऐड करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। आपका कंडीशन थी ऑप्टिमम कंडीशन। तो क्या होगा? 300 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएंगी? खाली हो जाएंगी, वैकेंट वैलेंसी हमारे पास आ जाएंगी। ये इस तरीके से था, 300 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसकी दो वैलेंसी खाली हो गई। आपस क्या? H यहाँ पे आके अटैच हो गया, तो ये क्या बन गया आपस? इथेन। तो इट मीन हम लोग को पता चला कि अगर हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे इथीन की इन कंडीशन पे, तो आपस इथेन प्रिपेयर होगा। सही भाई। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या? हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन क्या होता है? तुम्हें बता चुका हूँ, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, जो कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7A के तमाम मेंबर्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? हेलोजन। सही है। तो हेलोजन हम जानते हैं कि हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, जैसे Cl2, I2, F2। सही है। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं। अब हेलोजन हम कौन सा यूज करें, ये सवाल पैदा होता है। हमारी मर्जी, हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। सही है। हम Cl2 कर लें। सही है। अब पेपर में जिस तरह सवाल आएगा वो बताता हूँ, पहले हम लोग उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सही है। हम जानते हैं हेलोजन कौन कौन होते हैं? Cl2, I2, F2, these all are halogen। सही है। अब हम इसको ऐड कर रहे हैं किसके अंदर? हम जानते हैं हम ऐड कर रहे हैं इथीन के अंदर, क्योंकि हम इथीन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अभी। सही है। अब इसके अंदर हम लोग पहले Cl2O कर रहे हैं। सही है। तो Cl2O करेंगे तो क्या होगा? हम जानते हैं, अच्छा Cl2 क्या होता है? देखो बात आती है रिएक्टिविटी के व्यापक पे। सही है। कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो याद रखना Cl2 जो है वो रिएक्टिविटी के साथ अच्छा है। तो ये आराम से बॉन्ड ब्रेक होता है इसका। सही है। बॉन्ड ब्रेक होता है, इसकी वैलेंसी टूटती है, क्या होगा? H यहाँ पे H थे हमारे, एक Cl निकलेगा, जो इस जो बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा वहां पर इथीन का, तो दो वैलेंसी खाली हो गई थी, तो एक Cl यहाँ पे आके अटैच होगा और एक Cl यहाँ आके अटैच हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या बन रहा है? अगर मैं इसका IUPAC नेम देखूं तो क्या होगा हमारे पास? हाँ जानता हूँ उसको। देखो दो कार्बन है, तो 1, 2 और 1, दोनों पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, तो क्लोरो, तो रहेगा 1, 2 डाई क्लोरो और दो कार्बन है तो ईथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो 1, 2 डाई क्लोरो इथेन प्रिपेयर होगा किससे? अगर आप इथीन की हेलोजिनेशन
क्लोरीनेशन करेंगे, सही है, क्योंकि हम लोग इसमें क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप फ्लोरीन को ऐड करें तो फ्लोरीनेशन होती हो, अगर आप आयोडीनेशन होती हो, सही है, तो आप हैलोजन के अंदर आप आई टू से भी कर सकते हैं, सी आई टू से भी कर सकते हैं, एफ टू से भी कर सकते हैं। अब डिपेंड करते हैं कि सवाल में पेपर में आपसे क्या पूछेगा। अगर पेपर में तुम लोग से पूछ ले कि भाई प्रिपेयर करो क्या 1,2-dichloroethane फ्रॉम इथीन, तो तुम्हें ये रिएक्शन करके आना होगा, सही है। इसी तरह यहाँ तक कोई सवाल, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि प्रिपेयर 1,2-di आयोडो इथेन तो क्या करोगे, तो सिर्फ यहाँ पे आई टू ले लोगे, सही है। और एक बार क्या रखना, आई टू के लिए तुम्हें एक कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, क्या इथेनॉल को, क्या किसको, इथेनॉल को करोगे, क्योंकि ये रिएक्शन हमारा प्रोसीड करेगा इन केस ऑफ आई टू की फॉर्म में। तो आई टू की फॉर्म में करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आई आ जाएगा और यहाँ पे भी आई आके अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे डाई क्लोरो की जगह डाई आयोडो इथेन हो जाएगा, सही है भाई। तो इस तरह हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकती है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या होता है ये सुन लो। देखो हाइड्रोजन हैलाइड को अगर तुम पढ़ो तो एच एक्स, हैलाइड को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। अब हैलाइड हाइड्रोजन से निकला है, उसमें क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, सही है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोजन हैलाइड है ना, तो हाइड्रोजन हैलाइड में सी एल भी आ सकता है, फिर क्या हाइड्रोजन हैलाइड में एच बी आर भी आ सकता है, हाइड्रोजन हैलाइड में एच आई भी आ सकता है, हाइड्रोजन हैलाइड में एच एफ भी आ सकता है। तो तुम इन चारों को इथीन के अंदर एड करवा सकते हो, सही है भाई। तो हम जानते हैं अगर आप इन चारों को एड करवा सकते हो इजिली तो करवा दो, कोई मसला नहीं है। किस तरह ऐड करवाएंगे बताता हूँ। देखो भाई हम जानते हैं कि आपके पास किसकी प्रॉपर्टी पड़े, इथीन की, सही है भाई, या इथीन पड़ रहा है तो इथीन था। अब तुम बताओ मैं किसमें कर किससे करूं, मैं मेरी मर्जी का, मैं एच बी आर कर लूं, मैं एस सी एल से कर लूं, मैं एच आई से कर लूं, इट डिपेंड। वो तुमसे बोलता है कि सवाल ही पैदा होता है कि तुम्हें वो तुम्हें करने हो किससे बोलेगा, मतलब कौन से, तो वो बोलेगा जो प्रोडक्ट तुम्हारे पास केवन होगा पेपर में तुम वो वाला कंपाउंड यूज करोगे। अगर वो बोले प्रिपेयर क्लोरो इथेन तो तुम एस सी एल से रिएक्शन करवा दोगे, बोलेगा ब्रोमो इथेन प्रिपेयर ब्रोमो इथेन तुम एच बी आर से करवा दोगे, सही है। और बोले अगर एच आयोडो इथेन तो तुम बोल दोगे एच आई से करवा दोगे। अब फर्क क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन तो देखो सब में कॉन्स्टेंट है, सिर्फ क्या चीज चीज हो रही है, हैलोजन ग्रुप, सही है, सिर्फ हैलोजन ग्रुप का फर्क है। तो मैं यहाँ पे जनरलाइजेशन करवाया था क्लोरीन के साथ, एच सी एल के साथ, सही है भाई, ताकि हम उसी के रिस्पेक्ट सारे बता दें। अब क्या होगा यहाँ पे, वही रिएक्शन होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो बॉन्ड तो ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं। एडिशन रिएक्शन पॉसिबल ही तब है जब आपका बॉन्ड ब्रेक हो, और बॉन्ड ब्रेक होने के लिए आप हीट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, टेम्परेचर भी दे सकते हैं, कोई कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, सही है। कैटलिस्ट यूज करते हैं क्योंकि कैटलिस्ट की एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो यूज करके हम लोग रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देते हैं, सही है। तो अब एक एच पॉजिटिव है, सी एल नेगेटिव है, तो हम जानते हैं कि इथीन इस तरह था, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन की दो वैलेंसी वैकेंट हो गई होंगी और बाकी जगह आपका हाइड्रोजन था। अब सुनो एच पॉजिटिव था, एक यहाँ पे आके अटैच होगा और एक यहाँ पे आके अटैच होगा, तो ये हो जाएगा एच सी एल। देख लो भाई क्या हो गया, अगर तुम इसकी नाश को नाम दो तो क्या हो जाएगा, 1-chloroethane, सही है। और अगर 1 नहीं भी लिखो तो इट्स नॉट, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं 1 शो करना आईयूपीएसी नेम में लाजमी नहीं है। हाँ अगर एक से ज्यादा होते हैं तो तुम लाजमी करते हो, यहाँ पे किया 1,2-di-iodoethane, क्योंकि यहाँ पे 1 पे भी था 2 पे भी था, लेकिन जब अगर 1 पे हो तो शो करना लाजमी नहीं आता था, हो सकता है। इसी तरह अगर तुम बात करो एच बी आर की, इसकी बात करो HBR, तो यहाँ पे HBR लगा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। अगर तुम बात करो आई एच आई की, हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो यहाँ पे आई लगा दो, यहाँ पे भी आई लगा दो, तो आयोडो इथेन। बस फर्क क्या होता है,
देखो यार इतना हर जिसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है, तो किसी की रिएक्टिविटी की करने की एबिलिटी ज्यादा होती है, किसी की रिएक्टिविटी करने की एबिलिटी कम होती है। तो फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि आपको डिपेंड करता है कंडीशन पे आप क्या चीज यूज कर रहे हो उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। सही है, अगर आपको आयोडीन से रिएक्शन करवाना है तो आपके पास वो कंडीशन नहीं होंगी जो कि आपने क्लोरीन से HCl से रिएक्शन करवाने पे किया है। मतलब जैसे कि तो मैं बोलूं कि इथिन की एडिशन करो HI के साथ, है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो जो कंडीशन तुम वहां पे यूज करोगे, जो टेम्परेचर प्रेशर वहां पे यूज करोगे, वो जरूरी नहीं है कि जो तुम HCl में कर रहे हो वही, क्योंकि रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है आपका रिएक्शन। सही है भाई, आना समझ में आ गया पक्का? सही है, तो वो तुम्हें समझ में ये बोल सकता है प्रिपेयर ब्रोमो इथेन फ्रॉम इथिन, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें इस रिएक्शन से करवाना है, मतलब कि HBr से रिएक्शन करवाना है, तो तुम्हारे पास प्रिपेयर हो सकता है। सही है भाई, ये तुम्हें खुद याद करना पड़ेगा, याद किस तरह होगा जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे। सही है भाई, तो ये आपका खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपनी चौथी प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ एडिशन की, वो क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। सिंपल, हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है। सही है, दिस इज इथिन एच ओ एच, एच पॉजिटिव ओ एच निगेटिव, बॉन्ड ब्रेक हुआ, हम जानते हैं बॉन्ड ब्रेक हुआ, वैलेंसी वैकेंट हुई, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच और यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, कैसे भाई, ये चारों ऐसे ही रहते हैं, बॉन्ड ब्रेक हुआ, दो वैलेंसी खाली हो गई थी, एक एच पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, एक ओ एच निगेटिव यहाँ पे आ गया, आपके पास क्या बना ये इथेनॉल। कैसे भाई, होते बताया था OH फैमिली अगर किसी अल्काइल ग्रुप के साथ आ जाए तो वो ओल ग्रुप होता है। तो देखो OH फैमिली आ गई तो ये क्या हो गया, दो कार्बन ईथ सिंगल बॉन्ड एन इथेन और OH ओल, तो आ बन गया इथेनॉल। इट मीन पता चला कि वाटर की एडिशन से आपके पास प्रिपेयर क्या हो सकता है, इथेन, सॉरी इथेनॉल फ्रॉम इथेन। सही है भाई, पांचवी प्रॉपर्टी हमारी क्या, एडिशन ऑफ हाइपो हैलस एसिड। क्या है रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइपो हैलस, पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज हाइपो हैलस। सही है, देखो हैलस का मतलब हैलोजन ग्रुप एक्स, और हाइपो बोलते हैं एच ओ, एच ओ एक्स। सही है, हाइपो बोलते हैं एच ओ, हैलस बोलते हैं एक्स, हैलोजन ग्रुप। सही है, तो रिएक्शन में हाइपो हैलस ये एसिड होता है। सही है, तो इसे बोलते हैं रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइपो हैलस एसिड। सही है, अब अगर तुम इसके मेंबर्स चेक करना चाहो तो क्या क्या होंगे, देखो एक्स हैलोजन है, क्लोरीन भी आता है, फ्लोरीन भी आता है, ब्रोमीन भी आता है, आयोडीन भी आता है, तो क्या हो जाएगा एच ओ सी एल, एच ओ बी आर, एच ओ आई, तुम्हारी मर्जी कोई भी यूज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपसे प्रोडक्ट क्या मांगा हुआ है आपके क्वेश्चन में। सही है, तो हम सीएल से ये कर रहे हैं। सही है, हाइपोहैलस एसिड हम जानते हैं दिस इज इथीन, सही है, प्लस एच ओ सी एल। सही है, हम जानते हैं कि यहां पे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच और यहाँ पे एच। सही है, एक ओ एच निकलेगा, यहाँ पे आके डाल देगा, और यहाँ पे एक सी एल था उसके लिए यहाँ पे आके डाल, एडिशन हो गई, तो यहाँ पास ये बन गया। सही है, जो हाइपोलाइसिस प्रोडक्ट बना, हाइपोलाइसिस से जो हमारा प्रोडक्ट बना है। सही है, अब तुम्हारी मर्जी क्या, वो तुमसे बी आर का पूछ रहे तो बी आर लगा देना, वहाँ पे बी आर आ जाएगा। सही है भाई, हमने आ गया, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर। सही है, रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर, अब इसको मैं जरा थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर, रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर से मुराद है, देखो रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर से क्या मुराद है, पहली बात तो ये कि क्लोरीन वाटर होता क्या है। सही है, ये समझ लो, अगर मैं क्लोरीन को रिएक्शन करवा दूं H2O के साथ, सही है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास
एच ओ एच था यहाँ पे, एच ओ एच सही है, यहाँ पे क्या है सी एल टू, यहाँ पे एक एच एक सी एल के साथ क्या बन जाएगा एच सी एल, और ओ एच एक सी एल के साथ क्या बन जाएगा एच ओ सी एल, सही है। तो क्लोरीन वाटर इसे बोलते हैं हम लोग, सही है। तो क्लोरीन वाटर से हम रिएक्शन करवाएंगे किस तरह, वही सेम रिएक्शन होगा, सही है भाई। एच ओ सी एल से करवा दिया, अब एक बार एच सी एल से करवा दिया, तो हम यहाँ पे करवा के आए, ये बी आर की जगह एच सी एल था, क्योंकि देखो दो बच्चे ना हमारे पास, एच ओ सी एल होता है हमारे पास और एच एस एच सी एल होता है, तो पहले हमने एच ओ सी एल से करवा दिया, एच सी एल से ऊपर करके आए, सही है भाई। तो ऐसा हमारी एडिशन प्रॉपर्टी खत्म हुई, सही है, किसकी इथेन की। अब देखो बाकी की जो प्रॉपर्टी बची थी हमारी क्या थी, रिएक्शन विथ के एम एन ओ फोर, सही है। देखो रिएक्शन विथ के एम एन ओ फोर से मुराद क्या है, पहली बात तो ये है ना, के एम एन ओ फोर कोई रिएजेंट नहीं है, एज अ कैटलिस्ट यूज होता है फॉर ऑक्सीडेशन, क्या फॉर ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वॉटर, सही है। मैं बता रहा मतलब क्या है, रिएक्शन विथ के एम एन ओ फोर से मुराद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन विथ अटोमिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वॉटर, सही है। यह नहीं कंडीशन है, फिर बता रहा हूँ वॉट इज द मीनिंग ऑफ के एम एन ओ फोर, इट इज द मीनिंग ऑफ के एम एन ओ फोर इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू ओ मॉलिक्यूल, सही है, एच टू ओ के साथ वॉटर के साथ और एटोमिक ऑक्सीजन के साथ, सही है। तो मैं देखता हूँ उसका रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड, दिस इज वॉट, दिस इज इथीन, यहाँ पर इथीन थी, इस पर हमने क्या बताया था, विद द इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन विद एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन का मतलब होता है ओ, मॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन नहीं है ये, सही है। अब क्या होगा के एम एन ओ फोर की प्रेजेंस में, के एम एन ओ फोर क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है जो कि ऑक्सीडेशन का मतलब, सही है। तो ये एजेंट है जो कि ऑक्सीडेशन करवाने में मदद करता है, सही है। तो के एम एन ओ फोर यूज हुआ और ऑक्सीडेशन हुई, अब क्या होगा देखो, वही बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, वैलेंसी खाली, ये था हमारे पास इथीन, बॉन्ड ब्रेक हुआ वैलेंसी खाली, अब देखो इसको देखो तो ये क्या है एच ओ एच, सही है। देखो ये वाला ओ एच निकला और यहाँ पे आके अटैच हो गया, तो क्या बन गया OH, और ये OH कंबाइन हुआ है और दोनों कंबाइन होके आपस में यहाँ आके अटैच हो गए OH, सही है। अब देखो OH है, इट मीन कि अल्कोहल फैमिली से, बिल्कुल है। अब सुनो इसका नाम क्या है, उस वक्त अगर एक एच था तो उसका क्या बोला था हम लोगों ने, उसको हम लोगों ने बोला था इथेनोल, सही है। अब ये क्या हो गया इथेन के दो कार्बन है इथेन और कितने ओल हैं, दो ओल, तो डायोल, डायोल हाँ सही है, डायोल इथेन डायोल, सही है। और इसका एक और नाम भी है, इसे हम बोलते हैं इथाइलीन ग्लाइकॉल, क्या बोलते हैं भाई इसे, बोलते हैं हम लोग इथाइलीन ग्लाइकॉल। तो इथाइलीन ग्लाइकॉल को इस तरह हम लोग प्रिपेयर कर। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। देखो हम जानते हैं मस्टर्ड गैस को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर इथीन था, इथीन को हम लोगों ने लिए दो मोल, दो मोल का रिएक्शन करवा दिया H2Cl2 से, सही है। जब ये रिएक्शन हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, देखो दो सल्फर थे ना हमारे पास, जिसमें से एक सल्फर की वैलेंसी ने यहाँ पे देखो CH2 कितने हैं, चार है, क्योंकि दो दो ये ने और दो है तो चार हो गए, सही है। तो हम लोगों ने एक सल्फर के साथ CH2 लगा दिया और बाकी जो वैलेंसी खाली है उसके बाद ये एक Cl यहाँ पे अटैच हो गया, एक Cl यहाँ पे अटैच हो गया, सही है। बाकी क्या एक S बचा होगा जो कि सल्फर की फॉर्म में बच गया होगा, रेसिड्यू फॉर्म में, सही है। तो ये हमारा बनती है मस्टर्ड गैस, सही है भाई, इसे हम बोलते हैं क्या मस्टर्ड गैस, फन में आ गया, सही है, इसे हम लोग मस्टर्ड गैस बोलते हैं, फन में आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक जो आप बोलते हैं ना पॉलीथीन, दिस इज नॉट पॉलीथीन, दिस इज पॉलीइथीन, सही, जो आप बैग यूज कर रहे होते हैं। तो पॉलीथीन किस तरह फॉर्म होता है आपके, हम लेते हैं अपना इथीन, क्या लेते हैं इथीन, दिस इज कॉल्ड इथीन, ये भी इथीन है हमारे पास, इसके लिए हम उन्होंने
एन मोल्स, आपको नहीं पता कितने मोनोमर्स हैं भाई, आपने इसके एन मोनोमर्स लिए, सही है, उसको 200 डिग्री सी और एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन अच्छा खासा टेम्परेचर, आई थिंक एटीएम में इसका एक प्रेशर था, सही है, विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ ये कंडीशन थी हमारे पास, सही है। तो हम लोगों ने क्या किया, इथीन को मोनो, बहुत सारे मोनोमर्स लिए, उसको 200 डिग्री सी ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ ऑक्सीजन ऑफ O2 के साथ पास किया, तो हमारे पास बन गया क्या, पॉलीमर, सही है। मैं तो पॉलीमराइजेशन बताई थी, पॉलीमराइजेशन क्या होती है हमारे पास, मैं तो बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये बन गया पॉली इथीन, सही है भाई, ये बन गया क्या, पॉली इथीन, सही है भाई, एक बार फिर बता रहा हूँ, पॉलीमराइजेशन क्या होता था, स्मॉल मोनोमर मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करते थे, हम पॉलीमर बोलते थे, और पूरे प्रोसेस को हम बोलते थे पॉलीमराइजेशन, हम बनाने पॉलीथीन, तो इथीन से ही पॉलीथीन बनता है, हम इथीन के बहुत सारे मोनोमर लेते हैं, उसको इस पर्टिकुलर कंडीशन से पास करके पॉलीथीन फॉर्म कर लेते हैं, देखो कितने सारे एन मॉलिक्यूल चेन फॉर्म कर ली, बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, सही है, तो इसलिए हमारा पॉलीथीन प्रिपेयर हो जाता है, सही है, ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन। अब हम चलेंगे अपना जो नया तीसरा टॉपिक है, मेन टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ इथाइन की तरफ, सही है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा केमिस्ट्री ऑफ इथाइन, जो कि तीसरा टॉपिक है हमारा। इससे पहले हम लोग इथेन और इथाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी प्रिपरेशन, उनका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, और हम बारी है हमारी केमिस्ट्री ऑफ इथाइन की, जिसमें भी हम वो तीन चीजें स्टडी करेंगे, सही है, बस उन्हीं को, क्या पहला ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि वक्त कम है तो हम से बात इसके क्या ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ही पढ़ पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे, इसका इसमें पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, सही है। तो अब हम चलते हैं, देखो इथाइन की बात है, इथाइन की बात है, तो इथाइन क्या होता है, पहली बात तो इथाइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, C2H2, सही है, ये फॉर्मूला होता है, और C के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होती है, और ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है कि किसका स्ट्रक्चर बनता है, सही है। इसी को लेके हम आगे प्रोसीड करेंगे और क्या बनाएंगे, अपना ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, सही है। देखो जब मैं तुम्हें इथेन और इथाइन पढ़ा रहा था, इथेन और इथीन पढ़ा रहा था, तो मैं तो बताया था कि इथेन के अंदर सिंगल बॉन्ड था sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, इथीन में डबल बॉन्ड था sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp होगी, क्यों, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, सही है, तो इट अंडरगोज इनटू sp हाइब्रिडाइजेशन, सही है, sp हाइब्रिडाइजेशन, सही है भाई, आज वन मार्क है। अब हम चलते हैं इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की तरफ, अब हम जानते हैं यहाँ पे कार्बन जो है हमारा क्या सेंट्रल एटम है, सही है, तो कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है, हम लोग बना रहे हैं इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, देखो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, देखो ये हमारे पास कार्बन का एक sp, ये दूसरा sp, और ये डबल नहीं बनता मुझसे, बन जाएगा, कोशिश करोगे बन जाएगा, थोड़ा आगे भी जाता है, ठीक है। और अब देखो उसके अंदर क्या है, सही है भाई, ये आपका एक कार्बन आ गया, सही है, और इसके अंदर कौन थी भाई sp, और यहाँ पे भी sp हाइब्रिडाइजेशन थी, सही है भाई, समझ में आ गया। अब हम जानते हैं यहाँ पे भी इसका एक मॉलिक्यूल होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे, सही है भाई, और आ गया, ये एक कार्बन की बात थी, अब हम दूसरे कार्बन को कर रहे हैं इसी तरह, सही है, इसी तरह ये हो गया, थोड़ा सा हमारा नीचे बन गया
और बाकी वही मुझसे तुमने एक सवाल ही पूछा क्या मैं इसको डॉटेड लाइन में क्यों बनाता है? सवाल पूछना नहीं ना, मैं डिजाइन के तौर पे थोड़ी बना रहा हूँ, दिमाग में है लेकिन सही है, पूछ लेता भाई। देखो बताता हूँ, मैं तो ये तीनों ही बनाया था, वहां पर भी नहीं पूछा। ये होते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग वाले, कौन होते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग जो करते हैं, तो उनको हम लोग इस तरह दिखाते हैं, सही है। और जो ये हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, उनको हम लोग सिंपल लाइन की फॉर्म में दिखाते हैं, सही, मतलब कि डार्क फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास अभी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ये बना हुआ है, देखो सही है भाई, वो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हम इसमें हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे, तो एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, तो मतलब एक एच हाइड्रोजन का आया, जो कि एच ऑर्बिटल होता है क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन माइनस वन होती है, तो एक एच आ गया, और इसका हाइड्रोजन का एक एच आ गया, यहाँ पे आ गया, टच हो गया, सही है भाई, फर्म आ गया। अब हाइड्रोजन का एक प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इसके लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, सही है। अब कार्बन के आधे इलेक्ट्रॉन में फिल आउट कर दो, याले और याले, सही है भाई, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये मुझसे थोड़ा नीचे बन गया तो हम थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, हाँ अब सही, सही है भाई, समझ में आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ओवरलैपिंग दिखाएंगे, ये ओवरलैपिंग हो गई, इन दोनों की हो गई। और अब देखो यहाँ पे ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, तो ये सिग्मा बॉन्ड, सही है, इसकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है एक सिग्मा बॉन्ड, इसकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है तीसरा सिग्मा बॉन्ड, सही है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होगा भाई, तीन सिग्मा बॉन्ड होगा, तीन। और एक और बात, एक सिग्मा, बाकी पैरेलल ओवरलैपिंग वाले क्या होते हैं, फाइव बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, फाइव बॉन्ड कितने आपके, टू। और मैं तुम्हें ऐसे ही बताया था कि कार्बन कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड होता है, पहला सिग्मा होता है, बाकी जितने बचते वो क्या होते हैं, फाइव। तो यहाँ पे भी प्रूव हो रहा है कि पैरेलल ओवरलैपिंग से आपके पाई बॉन्ड दो है, सही है भाई, समझ में आ गया। तो ये था आपका ऑर्बिटल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्या, इथाइन। एक और बात, इसमें एंगल कितना फॉर्म होता है, ये तो बताना भूल गया, और से देखो इसको बोलते हैं शेप, हाँ बताता हूँ। देखो इसमें कोई शेप है तुम्हारी, इस पिंक और डार्क, क्योंकि तुम्हें पहले वो ब्रेकिंग है ना, स्ट्रेट देखो, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है स्ट्रक्चर, तो ये होता है लीनियर, ये लीनियर फॉर्म में होता है, लीनियर फैशन में आके अरेंज होता है, जिसे हम लोग डायगोनल भी बोलते हैं, सही है, डायगोनल फैशन लीनियर फैशन में अरेंज होता है। और एक और बात, लीनियर में यहाँ पर देखो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, 180 एग्जैक्टली, सही है, 180 डिग्री का क्या बनता है भाई, एंगल बनता है, क्योंकि ये लीनियर है। तो ये था हमारा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, लिख देता हूँ भाई, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर था ये इथाइन का, इस तरह फॉर्म होता है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्या इसकी प्रॉपर्टी, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सही है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलता है इंशाल्लाह।